हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है हाउस एक्सप्लोरर्स। आप तो जानते ही हैं आप हमें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक 4 BHK इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर। लोकेशन होने वाली है इसकी सेक्टर 14 वसुंधरा। बिल्कुल ये आपके 146 मीटर में बना हुआ है। 4 बेडरूम्स देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको, 3 वॉशरूम्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको इस फ्लैट से। बात करें हम इसकी USPs की ना, तो इसमें आपको लिफ्ट देखने को मिल जाता है। ये देखिए, एंट्री से पहले ही आपको यहाँ पर आपको डेडिकेटेड लिफ्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, प्लेटफॉर्म विजिट करते हैं, दिखाते हैं आपको। ये हो जाता है इसका लेविस्टा एंट्री डोर। ये देखें, एंट्री डोर को भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, देखने में ही खूबसूरत लगता है। जैसे आप एंट्री करते हैं ना दोस्तों, आपके राइट साइड में ही आपको एक किचन देखने को मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपको लिविंग एरिया देखने को मिल जाएगा। चलिए लिविंग एरिया से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट ऑफ द एरिया चेकआउट करेंगे। आइए, ये हो जाता है दोस्तों इसका लिविंग एरिया, स्पेशियस बनाया गया है। अगर आप ऊपर देखोगे ना, फॉल सीलिंग का अच्छा काम देखने को मिल जाता है, बीचों बीच शैंडेलियर आ जाता है, वॉल को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं। अब इसमें लास्ट टचअप होने वाला है, यहाँ पर अच्छा खासा वॉक होगा तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी दिखेगी। स्पेशियस होने वाला है आपका 9 सीटर सोफा, बड़े प्यार प्यार से लगेगा, दिक्कत होगी नहीं। अब नीचे अगर आप फ्लोरिंग देखोगे दोस्तों, तो इसमें आपको डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन दिखते हैं, स्पेशियस होने वाला है। एक्सट्रीम राइट साइड में दोस्तों, यहाँ पर आपको ये टीवी वॉल बना के दिया गया है। टीवी पैनल नहीं कहेंगे, वॉल ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी वॉल को यूटिलाइज कर दिया है, जो कि काफ़ी आलीशान है। नीचे आपको कुछ ड्रॉवर्स आ जाते हैं, जो कि और ज़्यादा हैंडी हो जाते हैं डे टू डे लाइफ के लिए। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया लिविंग रूम। अगर हम बात करें यहाँ से रेस्ट ऑफ द एरियाज की, तो बेडरूम चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ आ जाता है दोस्तों आपका पहला बेडरूम। ये देखें, ये हो जाता है पहला बेडरूम। ये भी स्पेशियस निकल के आ जाता है, किंग साइज बेड बड़े प्यार से आ जाएगा। लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में आपके ये वार्डरोब्स आपके बन जाते हैं। नीचे आपको थोड़ा सा ये सेक्शन मिल जाएगा, जो कि साइड टेबल्स के तौर पर काम हो सकता है इसका। अच्छा एरिया निकल के आता है, इस पर फॉल सीलिंग का अच्छा काम देखने को मिलेगा। ऊपर बढ़िया प्रीमियम फैन आपको लगा के दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाता है। एक बार इसको आप लेआउट चेकआउट कर लें। दोस्तों स्पेशियस वॉशरूम निकल के आने वाला है। अगर हम इसमें टाइल्स की बात करें ना, तो टाइल्स इसमें देखें तो बिल्कुल आपके सूदिंग टाइल्स लगाए गए हैं। कोई बहुत ज़्यादा के डार्क टोन में नहीं है, लाइटर शेड में है, अच्छे दिखते हैं। स्पेशियस वॉशरूम होने वाला है, फिनिशिंग पे है ये, अभी इसमें लगे नहीं है सैनिटरी फिटिंग्स। एक बार ये लग जाए तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करें, तो यहाँ से आपको ये जो फर्स्ट और जो सेकेंड बेडरूम है दोस्तों, इसके एडजेसेंट में यहाँ से आपको थोड़ा बैक का एरिया देखने को मिल जाता है, जिसे आप बैक यार्ड कह सकते हैं। ये देखें, स्पेशियस होने वाला है। ये आपके यूटिलिटी के तौर पर यूज़ हो सकता है, या वॉशिंग के लिए भी आप इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका पहला बेडरूम, और उससे लगती हुई आपकी बैक का जो एरिया है। चलिए इसके रिमेनिंग एरियाज को अगर हम चेकआउट करें, तो इसके एडजेसेंट में ही आपको ये सेकेंड बेडरूम भी देखने को मिल जाएगा। आए, ये देखिए, ये हो जाता है सेकेंड बेडरूम। स्पेस देखें आप एक बारी, ओवरव्यू ले लें इसका, अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें भी दोस्तों आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, इसके टाइल्स भी अच्छे से बनाए गए हैं, ये भी अच्छा दिखता है। चेकआउट कर लें एक बारी आप। दोस्तों अगर हम यहाँ पर अब बात करें ना, तो वॉशरूम देखिए, ये इस बेडरूम में आपको ये वार्डरोब अच्छा देखने को मिल जाता है। देखिए ये 3-डोर वार्डरोब आने वाला है, यहाँ पर वुड का काम आपको देखने को मिलेगा, और ये ग्लास के साथ में आ रहा है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है। ये देख रहे हैं, फुल फ्लेज आपको सेक्शन मिलने वाले हैं, आपके ब्लेजर जो हैं, आपके सूट्स बड़े आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। HDMR क्वालिटी वुड लगाया गया है, तो आप लगा लीजिए टर्माइट और इन सब टीमों से, तो आपकी इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। प्लस अगर कुछ सीपेज है, तो वो भी इसमें कुछ ज़्यादा असर करता नहीं है, अच्छी क्वालिटी का वुड है। चलिए दोस्तों रिमेनिंग एरियाज को अगर हम चेकआउट कर लें, आइए। जैसे कि हम बात कर रहे थे दोस्तों, अभी हम फिर से लिविंग रूम में हैं, यहीं सामने आपको किचन देखने को मिल रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम तीसरा बेडरूम चेकआउट कर लेते हैं, जो आपके यहाँ लेफ्ट साइड में आ जाता है। दोस्तों ये आलीशान होने वाला है, देख रहे हैं, 5-डोर वार्डरोब के साथ में क्या आलीशान ये बेडरूम निकल के आने वाला है, स्पेशियस होने वाला है। सारे के सारे बेडरूम दोस्तों ऐसे हैं, आपके किंग साइज बेड तो अच्छे से आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अगर हम इस इधर से बात करें दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा आपको ये विंडो और दी गई है, यहाँ से थोड़ा शाफ्ट का एरिया आ जाता है।
वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलती रहेगी। पूरा जो दोस्तों जो पूरा घर है ना, ये पूरा फुल्ली वेंटिलेटेड रहने वाला है। आपका ये ईस्ट फेसिंग होने वाला है और उसको अच्छे से बनाया गया है कि प्रॉपर सनलाइट भी मिलती रहे, आपको वेंटिलेशन भी मिलती रहे। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ चलते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं। आइए, जैसे दोस्तों हम तीसरे बेडरूम से निकलते हैं, इसके एडजेसेंट ही आपको ये कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है। आइए इसका भी हम वॉशरूम चेकआउट कर लें एक बारी। इसका साइज भी दोस्तों नॉमिनल रखा गया है, डे टू डे लाइफ के लिए कोई आपको दिक्कत इसमें होगी नहीं। इसमें टाइल्स के कलर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगाए गए हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका कॉमन वॉशरूम। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका किचन। किचन भी बहुत अच्छे से बनाया गया है, ये देख रहे हो एल शेप आपका स्लैब आने वाला है। डबल सिंक आपको देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड में ही आपको कैबिनेट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि स्पेशियस होने वाले हैं। अगर इसमें दोस्तों सारी फिटिंग्स की बात करें ना, ये पूरा मॉड्यूलर किचन होने वाला है, सॉफ्ट क्लोजर के साथ में आएगा। ऊपर जो ये प्लेटिंग लग रही है ना, ये रोज गोल्ड प्लेटिंग उनमें है तो काफ़ी अच्छा दिखता है। ये देखिए सब सॉफ्ट क्लोजर होने वाला है तो ड्यूरेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। इसी में आपको चिमनी देखने को मिल जाता है, बिल्कुल इसके साथ आपको चिमनी देखने को यहाँ मिल जाएगा। प्लस इसमें दोस्तों एक और चीज़ जो अच्छी है, ये देखिए जो आपकी डे टू डे लाइफ के लिए अच्छा हो जाता है, वो हो जाता है ये पेंट्री सेक्शन। ये देखें यहाँ पर आपको ये पेंट्री देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाती है डे टू डे लाइफ के लिए। तो दोस्तों हमने सब चीज़ चेक कर लिया, जो लास्ट रह जाता है वो है इसका बेडरूम, ये चेकआउट कर लें। तो दोस्तों ये हो जाता है फोर्थ बेडरूम, ये आपके फ्रंट में आने वाला है, आपकी ग्रीन बेल्ट फेसिंग में होने वाला है। तो देखिए प्रॉपर आपको सनलाइट और सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, इसको भी अच्छे से बनाया गया है। इसमें आपको थ्री डोर वार्डरोब देखने को मिल जाएगा ही लेफ्ट साइड में। चलिए आपको ये चीज़ भी दिखा देते हैं, आइए ये देखें दोस्तों। इनकी जो खासियत है ना, एक तो इनकी जो वुड क्वालिटी है वो अच्छी लगाई गई है, प्लस जो इनकी जो डेप्थ आ रही है ना अंदर तक, ये काफ़ी अच्छी डेप्थ आ रही है। क्वालिटी ऑफ वुड अच्छा है, डेप्थ आपको अच्छा मिल रहा है, तो आपके जो भी आप इसमें जो सामान रखते हैं, आपके जो क्लोथ्स हैं वो अच्छे रहने वाले हैं, आपके ब्लेजर सूट जो भी हैं आपको अच्छे इसमें हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं एक बार इसकी बालकनी, आपको बाहर का व्यू भी चेकआउट कराते हैं, आइए। तो दोस्तों ये हो जाती है इसकी बालकनी, ये देख रहे हैं अच्छा साइज निकल के आने वाला है। ऊपर भी अगर आप देखोगे तो अच्छा पैनलिंग का वर्क किया गया है, लाइट्स अच्छी आ रही है। नीचे भी अगर आप इसकी फ्लोरिंग देखोगे ना, तो ये पूरे वुड स्टाइल टाइल्स लगाए गए हैं जो कि आलीशान लगते हैं। अच्छा साइज मिलने वाला है आपको इसका, ये देख रहे हो अच्छी इसकी विड्थ आ रही है, डेप्थ इसकी अच्छी आ रही है। ग्रिलिंग इसमें जो की गई है ना, ये अच्छी लगती है, देखें ग्रिलिंग इसकी काफ़ी आलीशान लगती है। और अगर ये देखिए ये जो फेसिंग है ना दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए पूरा ओपन टू स्काई आपको बालकनी मिलने वाला है। सामने ही दोस्तों आपको पूरा ग्रीन बेल्ट एरिया है, आपके सामने पार्किंग के लिए भी यूज़ हो जाता है, वरना नीचे आपको पार्किंग का एरिया आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आपको रैम्प पार्किंग आ जाती है, अच्छी विसिनिटी में है, अच्छी लोकेलिटी में है। अगर दोस्तों हम इसकी कुछ और USPs की बात करें दोस्तों, तो ये आपके अगर आप यहाँ से अगर आप वैशाली मेट्रो की बात करें, तो यहाँ से तकरीबन दूरी हो जाती है 2 से 2.5 किलोमीटर। RRTS कॉरिडोर जो आपका बना हुआ है, जो स्टेशन आ रहा है, उसकी दूरी यहाँ से तकरीबन आप देखें तो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आ जाता है। NH-24 से अच्छी कनेक्टिविटी है, दिल्ली और नोएडा से वेल कनेक्टेड रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये फ्लैट अच्छा बना हुआ है, आपको अच्छा लगेगा। अगर हम दोस्तों अगर बात करें इसके प्राइसिंग की ना, तो इसकी प्राइसिंग रखी गई है 1,45,00,000 जी, जो कि नेगोशिएबल है। कि नीचे का हम बता रहे हैं, अगर जैसे आप रूफ राइट लेते हैं तो इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी और ऊपर आ जाती है, लेकिन आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्लैट पसंद आ रहा है तो नंबर हमने डिस्प्ले कर दिया है, नंबर पर कॉल करें, अपना विजिट प्लान आउट ज़रूर करें ताकि आपसे चेकआउट ज़रूर करें।